सो गाइस हमने बाइक से ले ली है। हेलो दोस्तों, जैसे ही मैं सुबह उठा तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ठंड है। कुछ नहीं नज़र आ रहा, काफ़ी ज़्यादा। और फिर मुझे ये दोस्त और फिर मुझे दिखाई दी एक छोटा सा क्यूट सा पपी, काफ़ी खुश था। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा ठंड है और धुंध पड़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पंजाब का मौसम तो पता नहीं कैसा है आज का, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी आ जाएंगे डल झील और अभी देखिएगा लास्ट तक लोग। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये क्या उठा रहे सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ सेब के बाग में और ये है सेब का बाग। पर अभी सेब नहीं हुए हैं, अभी आएंगे नेक्स्ट ईयर गर्मियों में। और ये सेब का बाग, सभी सेब की पेड़ हैं सभी। अभी इनकी हो चुकी है कटाई, अभी हम आएंगे नेक्स्ट ईयर सेब के सीज़न में भी आपको दिखाएंगे। सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ चाचा जी के पास और ये चाचा जी बेड़े चुरा रहे हैं। ये देखिए चाचा, ये आपकी बेड़े नज़र आ रही हैं। हाँ हाँ, और हम भी चल रहे हैं चाचा जी के साथ। हाँ। थोड़ा सा जाएंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। और आप भी आइए और विज़िट करिए कश्मीर। सुरेश मैं बैठ चुका हूँ टैक्सी में, आप जा रहे हैं डल लेक और जा रहे हैं डल लेक के लिए गाड़ी में। हमें मिल चुके चाचा जो कि हमारे साथ शिकारा राइडिंग करेंगे और हम जाएंगे चाचा के साथ, चाचा घुमाएंगे हमें अच्छी तरह से। और आप देख सकते हो ये कश्मीर काफ़ी सुंदर है। सो गाइस अब हम करेंगे शिकारा राइडिंग और ये है चाचा की शिकारा। सो गाइस हम बैठ चुके हैं शिकारा राइडिंग पे, काफ़ी ज़्यादा हिल जुल रही है और आप देख सकते हो। सो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है और आप भी आइए कश्मीर घूमने के लिए, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं कश्मीर की वादियाँ और ये है डल लेक। और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे फोटो शूट करते हैं भाई, वो ड्रेस पहना के, कश्मीर ड्रेस पहना के। ठीक है, चलते चलते होता है चेंज वगैरह, कुछ नहीं करना पड़ता है, कपड़े के ऊपर आपको कपड़ा डालना है। और अब हम पियेंगे कश्मीरी कावा।
तो गाइस अब हम पी रहे हैं कश्मीरी कावा। काफी टेस्टी है। तो यहाँ पे ले सकते हो, ये भी दूसरी बोर्ड वाले भी पंजाब से आए हुए हैं। वो देखो वो। आज से ज्यादा ठंडी स्टार्ट हो गया है, ये 40 दिन यहाँ पे रहता है। हम इसको बोलते हैं चलाई कलान। हाँ जी, जैसे आपका वहाँ गर्मी होता है ना, आप क्या बोलते हैं गर्मी को वहाँ पे? पता नहीं। तो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। और आप भी आइए कश्मीर घूमने के लिए। तो यहाँ पे बतख भी चल रही है, यहाँ बतख। और ये बाइक गुजरात से आ गई है, आगे वाली जो शिकार है। सो गाइस अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला हर ब्लॉग आप तक पहुंचता रहे। आप और ही कुछ नजारा देखता था फुल रोड। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बोट में हाउस बनाए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो झील के अंदर ही शॉप्स भी हैं। आप देख सकते हो सामने ये है हाउस बोट, यहाँ पे आप रह सकते हो। काफी खूबसूरत है। सो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं।
वादियाँ हैं और आप देख सकते हो सामने अभी डल लेक के अंदर क्या करना आस पास के यहाँ पे शिकारा में सामान बेच रहे हैं और आप देख सकते हो कश्मीर की वादियाँ, यह डल लेक। So guys, हम भी चाचा जी के साथ घूम रहे हैं अभी। कोई बात नहीं जी, हम चलो। हाँ ठीक है। पहुंच चुका हूँ लाल चौक पे और आप देख सकते हो मेरे पीछे लाल चौक। चहल पहल रहती है। सो गाइस काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सामने आप देख सकते हो ये है लाल चौक। आप देख सकते हो लाल चौक की मार्केट। अच्छा मार्केट देख रहे हैं। हाँ, ये क्या है? ये कैमरा है। आप कहाँ से? पंजाब से। पंजाब किस जगह? पठानकोट। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मार्केट और यहाँ से अभी मैं ले रहा हूँ मम्मी के लिए कश्मीरी फेरन और अंकल जी के पास आ चुके हैं। अभी देखते हैं डिज़ाइन, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन है। मैंने चाचा जी से ये वाला डिज़ाइन ले लिया है मम्मी के लिए और अभी बच्चों के लिए सिलेक्ट करते हैं। हाँ ये मैंने ले लिया सिस्टर के लिए, मम्मी के लिए और सिस्टर के बच्चों के लिए भी। फोर क्या चीज़ है? हाँ तो गाइस हमने कर लिए शॉपिंग चाचा जी की शॉप पे, काफ़ी अच्छा प्राइस है और आप भी आइए यहाँ पे अगर किसी ने भी शॉपिंग करनी है, ठीक है ना, तो आप जहाँ से आइए लाल चौक है और चाचा जी एड्रेस बताएंगे और चाचा जी का मैं नंबर दे दूंगा। चाचा जी अपना नंबर बोलिए। 9906880369। हाँ तो ये नंबर है चाचा जी का और किसी ने भी लाल चौक पे या श्रीनगर पे आना है तो यहाँ पे शॉपिंग कीजिए। बहुत ही अच्छे प्राइस है यहाँ पे और मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है अपने घर के लिए। सुबह जाम भी लगी है मार्केट, अरे पठानकोट मार्केट लगी है। काफी मजा आ रहा है।
भाई से ले रहे हैं, कच्ची करी ले ली है। और ये भाई के पास फ्रूट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर। तो गाइस अब हम पुल कर रहे हैं क्रॉस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई है। काफ़ी मज़ा आ रहा है कश्मीर घूमने में। यहाँ के लोग तो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे फोन भी लगा है। हाँ बराबर। हम भी घूम रहे हैं कश्मीर की सड़कों पर। और आप सामने देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी मार्केट लगी हुई है। और हम जाएंगे बस में बैठेंगे और अपनी और यहाँ पे आके तो अलग ही वाइब आती है और काफ़ी मज़ा आ रहा था। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के और यहाँ पे भी काफ़ी सारी सेल लगी हुई है आप देख सकते हो। गाइस अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे निकल रहे हैं मिर्ची के पकोड़े। मिर्ची के पकोड़े निकल रहे हैं। तो गाइस हम अकेले ही चल रहे हैं कश्मीर की कश्मीर के बाज़ार में और आप देख सकते हो चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है। और हम जाएंगे जहाँ पे हमारा ट्रक खड़ा है और वहाँ पे जाएंगे। आप देख सकते हो रश। और गाइज आप सामने बोर्ड देख सकते हो कश्मीर का बोर्ड लगा हुआ है। बैठ गया बस में। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे आके और आप भी आइए तो इन्जॉय करिए लाइफ। और गाइस आप सामने देख सकते हो कश्मीर के घर काफ़ी सुंदर हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पे। और आप रोड देख सकते हो कितने ही साफ हैं। और गाइस आप कश्मीर के घर देखिए कितने ही सुंदर सुंदर घर हैं। काफ़ी टेस्टी था। मैंने तो 3 खा लिए। आज 3 दिन हो गए हैं। साजी कितना टाइम लग गया? साजी 3 दिन। 3 दिन लग गया। 3 दिन की खा ली है साजी। और ठंड बहुत ज्यादा। ये देखो कितने कितने कपड़े लाए। आज तो कोना भी प्याप हो जाए। बहुत बुरा हाल है। हां ये देखो हाड़ी ने हाथी खा ली साजी। उधर रोटी का की करना है? रोटियां अपने चावल दा दाल हां कदे कदे फुलके बना लेते हैं। हां जी सो गाइस हमने बाइक से ले लिए हैं अखरोट। ये बाइक की शॉप
हाँ जी उस्ताद जी ने ले लिया है काजू किशमिश। हाँ जी ये हमारा भैया यहाँ पे आइए और करिए शॉपिंग ढेर सारी। जो भी आएगा बाहर का लोग 10 रुपए यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी मिलेगा आपको। गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।